अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के अंदर आपके एप्लीकेशन लॉक हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए आपको ना तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, आप अपने फ़ोन के फीचर के साथ इनको लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले हमको चलना होगा सेटिंग्स के अंदर, तो हम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, ये मैं आपको ऐसे घुमाने के लिए लाया था सेटिंग में। आपको बैक आ जाना है, आपको थोड़ा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे फोन मास्टर का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फोन मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ऐप लॉक का, तो आपको ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे एक यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आप यहाँ से चूज योर पासवर्ड करके एक पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप अपना एक पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। पासवर्ड चूज करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मिडिल नेम। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि अगर आप इनकेस अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके थ्रू आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप इसको अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन को कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, तो हम क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल के लिए भी IPL होने वाला है तो हम अपनी फेवरेट टीम चूज़ करेंगे, IPL वाली। ओके, काफ़ी ही बेकार टीम है RCB। ओके, आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आप जिस जिस एप्लीकेशन को लॉक करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको आसानी से लॉक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम लॉक करने वाले हैं यूट्यूब को, बाइट म्यूजिक को और एक इंस्टाग्राम को। ठीक है, इनको हमने लॉक कर लिया, अभी हमने लॉक कर लिया सिंपल से। इसके बाद यहाँ से आप 3 डॉट में जाकर देखते हैं क्या होता है। 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको, सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ से आप देखेंगे इनेबल ऐप लॉक हो रखा है जो कि हमने किया था अभी। ठीक है, मेक पैटर्न विजिबल, पैटर्न विजिबल है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं तो आपका पैटर्न दिखाई भी नहीं देगा। ऐड फिंगरप्रिंट टू अनलॉक, यहाँ से आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, फेस अनलॉक भी क्लिक करके आप अपने फेस के साथ भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करना चाहें तो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, और रीसेट सिक्योरिटी क्वेश्चन करना चाहें तो अपने जो अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था उसको रीसेट कर सकते हैं, और जो अपने पासवर्ड डाला उसको आप यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है इसका ऐप लॉक। यूट्यूब पे क्लिक करते हैं हम। ओके, ये मेरे फेस से खुल गया। फेसबुक तो मैंने लगाया ही नहीं था, और क्या लगाया था मैंने, इंस्टाग्राम। ओके, तो इंस्टाग्राम हम चलते हैं। अब की बार मैं फेस नहीं लगाने वाला इस पर, फेस इस पर टच नहीं करूँगा, तो कैमरे को मैं बंद कर लेता हूँ और देखते हैं कि फिर ये काम करता है कि नहीं करता। ओके, तो इंस्टाग्राम, ओके तो इंस्टाग्राम इसने देखो मैंने फेस हटा लिया और फेस पे हाथ हटाते ही इसको खुल गया। तो काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये इसका फेस काफ़ी फास्ट काम करता है, और आप अपने फ़ोन के ऐप लॉक को इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर आपको इनको वापस से इनको ऐप लॉक को अनलॉक करना हो तो फ़ोन मास्टर के अंदर जाना है, ऐप लॉक के अंदर जाना है आपको, आपको अपना पासवर्ड कंफर्म कराना है और इनको आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे, तो आपके ये एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएंगे। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।